आई थिंक मेरी दूसरी फिल्म है। इसके पहले मैंने काशी विश्वनाथ किया था इनके साथ, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत लिमिटेड वे में बात करते हैं, तो मुझे फर्स्ट टाइम इनके साथ जब काम किया था तभी से मेरा इंटरेस्ट की तरफ जगा था कि कुछ अच्छे गाने कर सकते हैं, और उस फिल्म में हमने अच्छा गाना किया था। तो इस बार भी उन्होंने हम पे भरोसा रखा और फिर से एक बार दिया है, तो हम कोशिश करेंगे कि इस फिल्म के भी गाने बहुत अच्छे हों। एक गाना हमने रिकॉर्ड किया है कल ही, वो बहुत अच्छा हुआ है। हम कोशिश करेंगे कि इस फिल्म के सारे गाने हिट हों। और मेरे हम लोग के लिए थोड़ा नया ये है कि साउथ से एक अच्छे स्टार आ रहे हैं और भोजपुरी में एक कम इन कर रहे हैं, और हमारे साथ हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के भी जो हीरो हैं वो, तो दोनों का कॉम्बिनेशन देखने को शायद बहुत अच्छा लगेगा। और मुझे म्यूज़िक में भी शायद इन सभी बारीकियों को ध्यान रखना पड़ेगा कि बोथ ऑफ कैरेक्टर्स के दोनों पहलू के लिए मैं अलग अलग म्यूज़िक कर सकूं, और इसके लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा। ओम जी साउथ के स्टार काम कर रहे हैं और जी भोजपुरी इंडस्ट्री के, तो दोनों का म्यूजिक का कॉम्बिनेशन देखना। नहीं, बात रही म्यूज़िक की, तो म्यूज़िक की तो भाषा तो है ही नहीं, जैसा कि हम सब जानते हैं। वो बस कान को अच्छा लगना चाहिए, मज़ा देना चाहिए। भाषाएं तो बाद में आती हैं, पहले रूह तक म्यूज़िक पहुंच जाता है। तो हम इस कॉम्बिनेशन को कोशिश करेंगे अपने म्यूज़िक से दूर करने का, कि ताकि दोनों लोगों को अच्छा लगे। कभी ये भी मुझे फील हो रहा है कि शायद ये फिल्म अगर साउथ में भी डब हो तो वहाँ के लोगों को भी कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े म्यूज़िक में। तो थोड़ी सी इस बारीकियों को ध्यान रखूँगा कि वहाँ के म्यूज़िक में भी ये सेटल हो जाए। सो आई विल ट्राई डेफिनेटली टू डू इट। अरे तो बहुत खुशी की बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनका कमबैक है, और वो बहुत बड़ी स्टार रह चुकी हैं, अभी भी हैं, और मैं चाहता हूँ कि इस बार जो कमबैक हो तो फिर से वो पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, ऐसा मुझे लगता है। और हमारा सौभाग्य है कि हम उनके साथ काम करेंगे। एक अच्छे बैनर में तो काम कर ही रहे हैं, और पाखी जी के साथ काम करना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। ओके, थैंक यू।